खबर शामिल करते हैं। मलिक सजाद रनुजा की इस रिपोर्ट के मुताबिक फाजिलपुर और कोटला अंदरून में खुद साख्ता महंगाई, प्याज 100 रुपये फी किलो, गोश्त 1500 रुपये फी किलो, सब्जियां 80 रुपये फी किलो, कुकिंग ऑयल, दालें, फार्मी मुर्गी, घी, सेब के रेट दुगना, पुराना स्टॉक भी नए रेट पर फरोख। ताजे बरादरी बढ़ती हुई महंगाई में लाखों कमाने में मसरूफ, अवाम लुटने पर मजबूर, अवाम परेशान, बजट से कबल अशिया खुर्दनों स्टॉक, बजट के बाद अवाम को महंगे दामों फरोख्त करने की तैयारियाँ। महंगाई है हुकूमत की तरफों, महंगाई को ज्यादा कंट्रोल किया वे तो गाहक जो कस्टमर होंगे असल उन्हें बहस करेंगे साढ़े नाल, लिहाजा पिछू महंगाई है एक कंट्रोल किया वे और साढ़े नाल भी बहस ना करे गाहक ताकि असं भी परेशान हूँ महंगाई के हवाले नाल, असं भी ये चीज़ा खनू ठीक है, असं भी परेशान हूँ महंगाई के लिहाजा एक कंट्रोल किया वे। जी नाज़रीन, कोटला अंदरून में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर महंगाई इतनी अरूज पर है कि अवाम, गरीब अवाम जो है ना अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया को लेने से कासिर है। कैमरामैन शुएब शाह के साथ मलिक सजाद, भाई साहब रोही न्यूज़, कोटला अंदरून। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इल्तिजा कि मेहरबानी करें IMF करने वाला बने, अगर मुहिदे उमड़े पूरे थे पे तो महंगाई का कुछ मेहरबानी करें गरीब अवाम से, असां ते कोई प्रेशर ज़्यादा आंदा पे, घर के खर्चे ज़्यादा बिजली के बिल हैं, पेट्रोल है, जड़ा कुछ है, अगर मेहरबानी थी सके वज़ीर आज़म जड़ा ना सारी गरीबें की आवाज़ सुने। मैं यो आदा शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को तो मेहरबानी करो, महंगाई से कंट्रोल करो, मेरी दरख्वास्त ये है।